अपने जीवन को 11 दिनों में बदलो, पावरफुल सक्सेस रूल्स फॉर एवरीवन, ये बुक आनंद गिरी द्वारा लिखी गई है। इससे पहले कि आप इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करें, कृपया एक नोटबुक और कलम लें और इसे अपने पास रखें। आपसे अनुरोध है कि बिना किसी नोटबुक और पेन के पढ़ना शुरू ना करें। जब तक आप सफलता के इन नियमों के मास्टर नहीं बन जाते, तब तक इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। इस पुस्तक को अपने बिस्तर के पास और ईबुक को किंडल और स्मार्टफोन में रखें। अध्याय एक, अपने विचारों को बदलें, अपना जीवन बदलें। क्यों कुछ लोग प्रसन्न हैं और अन्य लोग दुखी हैं और उदास हैं? क्यों कुछ लोग अमीर और सफल हैं और वही कुछ गरीब और अभाव से भरा जीवन जीते हैं? क्यों कुछ लोग मशहूर और शक्तिशाली हैं और वही कुछ अन्य लोग सड़क पर भी अज्ञात हैं, जहां वे बिना किसी शक्ति या प्रसिद्धि के रहते हैं? क्यों कुछ लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं और अन्य बीमार और अयोग्य हैं? इन सभी सवालों के एक सामान्य और एक ही जवाब है। जवाब है, आपके विचार ही आपके जीवन को दिशा देते हैं। मुझे एक कहानी याद है। एक विक्रेता बाजार में हीलियम गैस से भरे गुब्बारे बेच रहा था। कई रंगों और आकारों के गुब्बारे थे। सभी गुब्बारे लंबे धागे से बंधे थे ताकि वह ऊपर से ऊपर उड़ते रहें। एक छोटा लड़का विक्रेता के पास आया और उससे पूछता है कि महोदय, कौन सा रंग गुब्बारा सबसे ऊपर उड़ेगा, काला गुब्बारा, सफेद गुब्बारा या फिर लाल गुब्बारा? विक्रेता ने जवाब दिया, मेरे बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुब्बारा कौन से रंग का है। असल में मायने ये रखता है कि इन गुब्बारों के भीतर क्या है। गुब्बारे हवा से भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वह ऊपर तक उड़ते हैं। हम सभी के लिए भी यही सत्य लागू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से रंग के हैं, हम कहाँ पैदा हुए थे, हम किस सामाजिक आर्थिक स्थिति में हैं, किस परिवार में हम पैदा हुए थे या किस तरह की शिक्षा ली थी। यह महत्वपूर्ण है कि हमारा मस्तिष्क किस तरह के विचारों से भरा हुआ है। इससे हमें अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सभी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। आप अपनी खुशी और दर्द के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी जब आपको मिला है, यह वही है जिसे पाने की इच्छा आपने की थी। आपका वर्तमान आपके पिछले विचारों से जुड़ा हुआ है। आपने अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखी है। कोई भी आपके जीवन का जिम्मेदार नहीं है। कभी भी अपने दुखों के लिए किसी को दोष न दें। आपने जो चाहा था वो आपको मिल गया। अगर आप खुशी चाहते हैं तो आपको खुशी मिलेगी। यदि आप प्रसिद्धि चाहते हैं तो आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। जो भी आप चाहते हैं आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रकृति का सिद्धांत है। यह मानव दिमाग का सिद्धांत है। यह भगवान का सिद्धांत है। कोई भी इस सिद्धांत को बदल नहीं सकता है। यह मानव निर्मित सिद्धांत नहीं है। यह प्रकृति का सिद्धांत है जो बहुत पहले मौजूद था, मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच प्रक्रिया बदलनी होगी। आपको हमेशा अपने विचारों से पूरी तरह से अलग विचार करना होगा। मन में एक ही चीज को बार बार सोचने की बुरी आदत होती है। हम अपने विचारों के अनुसार कार्य करते हैं। हमारे कार्य हमारी आदत बन जाते हैं। आदतें हमारे चरित्र को बनाती हैं। चरित्र हमारे जीवन और भाग्य को बनाता है। अपने जीवन और भाग्य को बदलने के लिए आपको अपने विचारों पर पहले काम करना होगा। अच्छे विचार अच्छी भावना लाते हैं और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छे कार्य अच्छी आदत बनाते हैं। अच्छी आदतें आपके चरित्र को अच्छा बनाते हैं। चरित्र को हर जगह पूजा जाता है। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो हर कोई आपको प्यार करता है। हर कोई आपकी प्रशंसा करता है। हर कोई आपका सम्मान करता है। अपने विचारों को बदलकर एक अच्छा चरित्र बनाएं। एक अच्छा चरित्र आपके जीवन को अच्छा बना देगा। जितना आप अपने सचेत दिमाग का उपयोग करते हैं, तब आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन से आदेश के अनुसार कार्य करते हैं तो आप अपनी पुरानी आदतों का दास बन जाते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के केवल दो तरीके हैं। सबसे पहले अपने विचारों को बदलें। दूसरा, इसे अपने अवचेतन मन पर तब तक प्रभावित करें जब तक कि यह आपकी आदत बन ना जाए। आपका चरित्र अच्छा तब तक बन ना जाए। अगर आपको संपत्ति की जरूरत है तो आप अपने विचार को बदलकर भरपूर संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको शांति की जरूरत है तो आप इसे अपने विचारों को बदलकर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको शक्ति की आवश्यकता है तो आप इसे अपने विचारों को बदलकर प्राप्त
कर सकते हैं। मन की जड़ों से अपने विचारों को बदलकर आप जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके विचार आपकी नैतिक शक्ति है जो आपको अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। जो भी आप चाहते हैं आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रकृति का सिद्धांत है, यह मानव दिमाग का सिद्धांत है, यह उस परमात्मा का सिद्धांत है। कोई भी इस सिद्धांत को बदल नहीं सकता है। यह मानव निर्मित सिद्धांत नहीं है, यह प्रकृति का सिद्धांत है जो बहुत पहले मौजूद था, मौजूद है और मौजूद रहेगा। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको हमेशा अपने विचारों से पूरी तरह से अलग विचार रखना होगा। मन में एक ही चीज को बार बार सोचने की बुरी आदत मत डालो। हम अपने विचारों के अनुसार कार्य करते हैं, हमारे कार्य हमारी आदत बन जाते हैं, आदतें हमारे चरित्र को बनाती हैं और चरित्र हमारे जीवन और भाग्य को बनाते हैं। अपने जीवन और भाग्य को बदलने के लिए आपको अपने विचारों पर काम करना होगा। अच्छे विचार अच्छी भावना लाते हैं और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। चरित्र को हर जगह पूजा जाता है। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो हर कोई आपसे प्यार करता है, हर कोई आपकी प्रशंसा करता है, हर कोई आपका सम्मान करता है। अपने विचारों को बदलकर एक अच्छा चरित्र बनाएं। एक अच्छा चरित्र आपके जीवन को अच्छा कर देगा। जितना आप अपने सचेत दिमाग का उपयोग करते हैं तब आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन से आदेश के अनुसार कार्य करेंगे तो आप अपनी पुरानी आदतों का दास बन जाते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के केवल दो ही तरीके हैं। सबसे पहले अपने विचारों को बदल ले, दूसरा अपने अवचेतन मन पर तब तक प्रभावित करें जब तक कि यह आदत बन ना जाए। आप केवल अपने अवचेतन मन से उभरते विचारों से ही पूरे दिन और रात घिरे रहते हैं। हम सुबह उठते हैं और हमारे उठने से पहले हमारा मस्तिष्क उठ जाता है और आदेश देता है कि क्या करना है। आपके अवचेतन मस्तिष्क आपकी पुरानी आदतों को इकट्ठा रखता है और आपको वही पुराने काम रोबोट की तरह सुबह से शाम तक करने के लिए प्रेरित करता है। आपको मजबूर होकर अपने दिनचर्या का पालन करना पड़ता है जिसका कारण आपके पुराने विचार पूर्व में किए गए कार्य हैं। कैसे विचार करें? यदि आपके विचार अच्छे हैं तो आपको सब अच्छा ही मिलेगा। अगर आप शांति पाना चाहते हैं आपको शांति मिलेगी। अगर आप समानता के बारे में सोचते हैं तो आपको भी समानता मिलेगी। अगर आप स्वार्थी हैं तो दूसरों के लिए हानिकारक सोचते हैं तो आपके आसपास का वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाएगा। आपके आसपास एक मजबूत प्रतिरोध बन जाता है तथा लोग इसे आपके चेहरे और हाव भाव से पहचान जाएंगे। सबके लिए अच्छा सोचोगे तो आपको भी सब अच्छा मिलेगा। अभ्यास एक, एक पेपर और कलम ले, आपके नकारात्मक विचार लिखें जो आपको आपकी खुशी और सफलता से दूर करते हैं। उदाहरण के लिए विफलता का डर, अस्वीकृति का डर, ईश्वर्या, क्रोध, वासना और आदि। फिर विपरीत और सकारात्मक के बारे में सोचो। उदाहरण के लिए साहस के बारे में सोचें, प्रशंसा के बारे में सोचें, प्यार के बारे में सोचें आदि। जब तक आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार नहीं करता तब तक इसका अभ्यास करते रहें। कहो, मैं शांतिपूर्ण हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्रवाह करता हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं रिच हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जो कुछ भी आपको पसंद है उसे बताना जारी रखें। आपके विचार दिन प्रतिदिन बदल जाएंगे। जागने के बाद और बिस्तर पर जाने से पहले हर सुबह इसे 2 मिनट के लिए करें। अध्याय 2, अपनी आदतों को कैसे बदलें। मनुष्य रोबोट की तरह है। रोबोट को कंप्यूटर प्रोग्राम से ऑर्डर मिलता है, इसी प्रकार मनुष्य को अवचेतन मन के प्रोग्राम से आदेश मिलता है। हम अपने अवचेतन मन से आने वाले आदेश के अनुसार सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। हमारा दिमाग इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि यह हमेशा हमारे शरीर की उत्तरजीविका को सुनिश्चित करता है। जो भी हमारे शरीर को अच्छा लगता है वह हमारे मस्तिष्क को भी अच्छा लगता है। यदि आपका शरीर सुबह 10 बजे तक सोने से अच्छा महसूस करता है तो आपका मस्तिष्क आपसे कहेगा प्रातः 10 बजे तक सोए रहें। सुबह जल्दी उठकर क्या करेंगे? अगर आपका शरीर कहता है मैं 2 और केक या आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहा हूँ तो आपका मस्तिष्क कहेगा हाँ आगे बढ़ें। इसी प्रकार हमने जो भी आदत विकसित की है वह केवल हमारे शरीर और मस्तिष्क के अच्छा महसूस के लिए है। इस बंधन से बाहर निकलने के लिए, आदतों के इस लोहे के पिंजरे से बाहर निकलने के लिए आपको अवचेतन मन के आदेश का पालन न करने के लिए दृढ़ता से अपने सचेत दिमाग को निर्देशित करने की आवश्यकता है। प्रारंभ में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमारे शरीर और अवचेतन मन के एक मजबूत बंधन है। वे एक बैल की तरह सचेत मन से आदेशों को मना कर सकते हैं। इस जंगली बैल को नियंत्रित करने के लिए आपको
मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ अच्छी आदतों का विकास करना पड़ेगा। किसी भी बुरी आदत को बदलने के लिए किसी को एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इच्छा शक्ति के बारे में अच्छी बात यह है कि इसे विकसित किया जा सकता है। चूंकि आप पहले से ही अपने विचारों को बदलने के लिए साहसी हैं, इसलिए आपकी आदतों को भी जल्दी बदला जा सकता है। यह बहुत सामान्य है कि नियमित रूप से कुछ भी दोहराते समय लोग अरोचक महसूस करते हैं। हर दिन एक ही काम करना केवल हमारे अवचेतन मन को गुलाम बना रहा है। आपकी स्थिति, आपका आज का जीवन, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी पिछली आदतों का परिणाम है। सही कहा। यदि आप जो कुछ भी प्राप्त कर चुके हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, चाहे वह व्यक्तिगत, वित्तीय या सामाजिक स्थिति है, तो आपको अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलना होगा। अतीत में आपकी आदतें और कार्य आपकी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, जिसे आप वास्तव में पसंद नहीं करते हैं और आप बेहतर होना चाहते हैं। एक बेहतर वित्तीय स्थिति, एक बेहतर सामाजिक स्थिति, एक स्वस्थ शरीर, एक अच्छा नजरिया रखें, एक अधिक शांतिपूर्ण मन, बेहतर समझ, प्यार, परिवार, यह हर किसी की आवश्यकता है। आज से जो कुछ भी आपको पसंद नहीं है उसे करना बंद करें। आपको आपकी प्रगति से दूर ले जाने वाली हर वजह को खत्म करें, तुरंत बंद करें। मैंने लोगों को यह कहते हुए देखा है कि मैं इसे नए साल से करना बंद करूंगा, मैं इसे दीपावली से करना बंद करूंगा, मैं इसे क्रिसमस से करना बंद करूंगा और मैं इसे अपने जन्मदिन के बाद करना बंद करूंगा। भविष्य की तारीखों में जो चीजें स्थगित करने से आप कभी खुद को रोक नहीं पाएंगे। विशेषकर अवसरों पर उठाए गए ऐसे संकल्प सामान्य रूप से विफल हो जाते हैं। लोग इसे थोड़े समय तक ही निभा पाते हैं। उनका अवचेतन मन उनके संकल्पों पर जीतते हैं। क्या आपने कभी ऐसे संकल्प किए हैं? यदि हाँ तो आप इसे जानते थे। मेरा सुझाव है कि आपको आपकी प्रगति से दूर ले जाने वाली हर वजह को खत्म करें, तुरंत खत्म कर दें। बुरी आदत को रोकने या छोड़ने की बहुत ही बुनियादी इच्छा ही आपके अवचेतन मन में एक छाप छोड़ देती है। आपका मस्तिष्क इस जानकारी को इकट्ठा करेगा और यदि आप बार बार एक बुरी आदत को कम करने या बुरी आदत छोड़ने के बारे में सोचते हैं, आज नहीं तो कल वो आदत छूट ही जाएगी। बुरी आदत को रोकने का एक और तरीका है, यह भी है, इसे तुरंत अच्छी आदत से बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और अपना मूल्यवान समय को व्यर्थ कर देते हैं, तो इस आदत को सुबह जिम जाने या कुछ योग का अभ्यास करने के साथ बदलें। यदि आप गुस्सैल व्यक्ति हैं और इस आदत को बदलना चाहते हैं, तो इसे तुरंत गरीब लोगों को प्यार दें और उनकी सहायता करें। कम से कम पालतू कुत्ते या बिल्ली से प्यार करने की कोशिश करें, ताकि आपके दिल में प्यार की भावना उत्पन्न होए। हमेशा उन स्थानों, लोगों और परिस्थितियों से बचें जो आपकी बुरी आदतों की ओर खींचते हैं। यदि आप अच्छे लोगों से घिरे रहते हैं तो आप अपने आप में अच्छी आदतें विकसित कर लेंगे। यदि आप बुरे लोगों से घिरे रहते हैं तो आप अपने आप में बुरी आदतों का विकास करेंगे। अपने आसपास के वातावरण और लोगों को बदलकर अच्छी आदतों का उत्पन्न कर सकते हैं। बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने के लिए आपके पास एक सशक्त कारण होना चाहिए, अन्यथा आपका अवचेतन मन आपको अपनी बुरी आदतों में फिर से खींच सकता है। अध्याय 2। अपने आप से पूछें कि कौन सी ऐसी बुरी आदत है जो आपको विकास की ओर बढ़ने से रोकती है। उन आदतों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं और उन्हें तुरंत छोड़ दें और अच्छे लोगों के साथ रहें। अध्याय 3। 5 महत्वपूर्ण आदतें जो आपके जीवन को तुरंत बदल देंगी। पहला, सुबह जल्दी उठें। यह अच्छी आदतों में से एक है जिसे हर व्यक्ति को विकसित करना चाहिए। अपने नियमित जगने के समय से 2 घंटे पहले जागना 2 घंटे का बोनस है, जिसका उपयोग आप किसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। प्रारंभिक सुबह प्रदूषण शोर से मुक्त है और प्रातःकाल में एक प्राकृतिक दिव्यता है। नंबर 2, ध्यान, प्रतिज्ञा और कल्पना करें। ध्यान, प्रातःकाल चिंतन करने से मस्तिष्क को शांति, धैर्य, तीव्रता, एकाग्रता, शक्ति मिलती है और पूरा दिन सार्थक रहता है। भगवान शिव पर ध्यान करें, कृष्णा पर ध्यान करें, यीशु मसीह पर ध्यान करें, ओम का उच्चारण करें और अपनी आत्मा को भी ध्यान में लगाएं। जिससे भी आपको अच्छा महसूस होता है या जिस पर भी आपको विश्वास हो, उस पर 5 से 10 मिनट ध्यान दें। प्रतिज्ञा, एक ताजा और अच्छा दिन शुरू करने के लिए प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है। जब आप सुबह में अच्छे विचारों के साथ स्वयं के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन द्वारा स्वीकार किया जाता है।
अपने आप से कहो, मैं सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांतिपूर्ण हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं दोस्ताना और सहयोगी हूँ, और मैं इस दिन से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। हे भगवान, मुझे यह सुंदर जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना, अपने जीवन के हर सपने की धीरे धीरे कल्पना करें। कल्पना आपके मस्तिष्क में एक मजबूत छाप बनाती है जो आपकी प्रगति में मदद करती है और आपके जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगी। हर किसी के पास कई सपने हैं, लेकिन हम में से कितने हमारे सपनों को पूरा कर पाते हैं? हर कोई बेहतर जीवन जीना चाहता है, एक बेहतर घर और कार खरीदना चाहता है, और स्वस्थ शरीर, अधिक प्रसिद्धि और अमीर बनना चाहता है। कल्पना करें कि आप सब कुछ पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने सपनों को काल्पनिक रूप से सोचते हैं तो आप उन्हें पूरा भी कर पाते हैं। यदि आप अपने सपनों की कल्पना प्रातःकाल उठते समय या रात्रि को सोते समय करते हैं तो आपका मस्तिष्क आपको आपके सपने और आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। नंबर 3, नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन खाएं। एक स्वस्थ शरीर के बिना आपके पास मौजूद सभी संपत्ति का कोई मोल नहीं। तंदुरुस्त स्वास्थ्य ही सबसे अच्छी संपत्ति है। सुबह उठें और थोड़ा योग करें। हिप हॉप, जिम्नास्टिक, तैराकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फुटबॉल खेलें। यदि आप वृद्ध हैं, बूढ़े हैं और खेलने या व्यायाम करने में असमर्थ हैं, तो आप पास के पार्क या समुद्र तट पर 30 मिनट टहल सकते हैं। व्यायाम से बहुत ऊर्जा मिलती है और आपके शरीर में हार्मोन का उत्पादन अच्छा होता है। आपका पूरा दिन ताजा और ऊर्जावान रहता है। गौर करें कि आप क्या खाते हैं और क्या खाने का प्रयत्न करते हैं। यदि आप अपने प्रलोभन के लिए खाते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। स्वस्थ पौष्टिक खाद्य पदार्थों को खाएं और साथ में काम के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन हो। अधिक मेवे, सब्जियां, फल, अनाज और प्रोटीन और विटामिन समृद्ध खाद्य पदार्थ खाएं। भोजन आपके शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाता है। अच्छा भोजन खाने से आपका शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। अपने लक्ष्यों को लिखें। एक नोटबुक लें और अपने लक्ष्यों को लिखें। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ होता है। आप भाग्यशाली हैं कि आप अपने लक्ष्य को लिख रहे हैं। 90% लोगों के पास कभी लक्ष्य नहीं है। 97% लोग अपने लक्ष्यों को कभी नहीं लिखते। केवल 3% जो अपने लक्ष्यों को लिखते हैं वे सफल होते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें और उस नोटबुक को अपनी जेब में रखें और हर दिन पढ़ें। आप इसे अपने दर्पण या दीवार पर भी पोस्ट कर सकते हैं ताकि आप इसे हर दिन देख सकें और पढ़ सकें। प्राथमिकता और समय सीमा निर्धारित करें। आपने अभी तक अपने लक्ष्यों को लिखा है? यदि आपके पास लगभग 5 या 10 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, तो अपने लक्ष्यों के लिए प्राथमिकता निर्धारित करें। आपके कौन से लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं? कलम के साथ एक सर्कल बनाएं और पहले उस लक्ष्य पर काम करें, फिर एक एक करके आप काम कर सकते हैं। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक सीमा निर्धारित करें और उसे समय पर ही खत्म करें। चिंता न करें, अगर आप समय सीमा पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए तो आप एक अलग समय सीमा के साथ एक और लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। यदि आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो अधिक शक्ति के साथ फिर से विश्लेषण करें और काम करें। उपरोक्त सभी 5 आदतों को लिखें और इन्हें दृढ़ निश्चय के साथ इनका पालन करें। अध्याय 4, लक्ष्यों को कैसे निश्चय करें। मेरा सुझाव है कि आप अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। पहला वित्तीय लक्ष्य, दूसरा पारिवारिक लक्ष्य, तीसरा स्वास्थ्य लक्ष्य, नंबर 4 समाज और देश लक्ष्य। एक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन के लिए एक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। 2 साल या 5 साल, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितनी सामग्री का उपयोग होगा, उन्हें प्राप्त करने की आपकी क्या योजनाएं हैं, प्रत्येक चरण लिखें। एक पारिवारिक लक्ष्य निर्धारित करें। परिवार सुंदर होते हैं। परिवार मानव सामाजिक जीवन की मूल प्रणाली है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाएं, अपने परिवार के सदस्यों को पर्याप्त समय दें
और उनकी जरूरतों, सपनों, उनके लक्ष्यों को समझे, उन्हें प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें। एक शांतिपूर्ण और दयालु परिवार सबसे अच्छा नैतिक शक्ति है। एक स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारित करें। हर किसी के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो खराब भोजन खाना बंद करें और तुरंत व्यायाम करना शुरू करें। यदि आप आज से ही व्यायाम करना शुरू करें, यदि आप सुंदर मांसपेशियों और एक पतला शरीर चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य लक्ष्य के लिए भी समय सीमा निर्धारित करें। अपने स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक रूप से काम करें। जब आप इच्छा अनुसार शरीर प्राप्त करेंगे, आप बहुत खुश होंगे। समाज या देश के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। हर कोई अच्छे समाज या अच्छे देश के लिए जिम्मेदार है। अपने समाज के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करें या अपने देश के नागरिक के उत्थान को निर्धारित करें। स्वार्थी न हो या ऐसा न करें जिससे आपके पास समाज और देश के लिए समय ना हो। कुछ समय बचाएं, कुछ एनजीओ या एक धार्मिक संस्थान में शामिल हो और गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। विशेषाधिकार प्राप्त करने में सहायता करें। मुझे पूरा यकीन है आप अपने दिल से संतुष्टि और कुछ खुशी महसूस करेंगे। जब आप अपने चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो आप दिल को असली खुशी से भर देते हैं, जिसे आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। एक बार कोशिश करें, आप इसे स्वयं ज्ञात कर लेंगे। एक नोटबुक लें, 4 कॉलम और 5 पंक्तियां बनाएं और ऊपर दिए गए 4 क्षेत्रों में अपने लक्ष्य को लिखें। प्रत्येक लक्ष्य के लिए 5 चरणों की योजना बनाएं। कर्मश अपनी योजनाओं का निष्पादन करें। प्रत्येक लक्ष्य के लिए प्राथमिकता निर्धारित करें। अध्याय 5, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उससे आकर्षित कैसे होएं। ब्रह्मांड में वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ जो कुछ भी चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको आपके मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करना होगा। अपना चरित्र ऐसा बनाइए कि जहां भी आप जाएं आपको हमेशा सम्मान, स्वागत और आदर मिले। कुछ नियम है। पहला नियम, पूछना। लोग एक दूसरे से पूछने में संकोच करते हैं। यदि आप पूछते हैं तो केवल 2 उत्तर हाँ या नहीं हो सकते हैं। अगर वो नहीं कहते हैं तो आपके पास काफी विकल्प है। अगर हाँ कहते हैं तो यह ठीक है। दूसरा नियम, दूसरों की सराहना करना। आजकल हर जगह सब एक दूसरे पर दोष डालते रहते हैं। लोग एक दूसरे को दोष देते हैं। वे राजनेताओं को दोष देते हैं और वे देश को दोष देते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं और चारों ओर सबको दोष देते हैं। यह मत सोचो कि केवल आप ही अच्छे और सही हैं और बाकी सब गलत और बुरे हैं। सब में कुछ न कुछ अनोखा होता है। दूसरे के अनोखेपन को ढूंढें और सराहना करें। लोगों को स्वीकार करें और उनकी प्रशंसा करें। दूसरों को आपके साथ सहज महसूस कराएं और उनकी भावनाओं, विचारों और कार्यों का सम्मान करें। तीसरा नियम, लोगों के अनुकूल रहें। आप सब कुछ अकेले प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अपने आसपास आपकी सहायता करने वाले लोगों की जरूरत होती है। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ नेटवर्क और अपनी अच्छी चीजें उनके साथ साझा करें। वे अपनी अच्छी चीजें आपके साथ साझा करेंगे। चौथा नियम, कभी हार ना माने। पहली बार में किसी को सफलता नहीं मिलती। विफलता अध्ययन का चिन्ह है। विफलता के बाद आप हमेशा कुछ नया सीखते हैं। हर विफलता को सफलता का पड़ाव बनाएं। कड़ी मेहनत करें, अपनी गलतियों को सही करें और आप जीतेंगे और सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं। पांचवा नियम, प्रार्थना मददगार होती है। प्रार्थनाएं आपके दिमाग और अतिरिक्त चेतना के बीच संबंध है। सार्वभौमिक शक्ति आपको हर वो वस्तु देना चाहती है जिसे आप पाने की इच्छा रखते हैं। आप कभी भगवान, सर्वशक्तिमान या अतिरिक्त चेतना की सार्वभौमिक शक्ति से जुड़े नहीं हैं। खुद को उस अतिरिक्त शक्ति से जोड़ने का प्रयास करें। बहुतायत, शांति, सफलता, सौंदर्य और सब कुछ आपके ऊपर बौछार के लिए तैयार है। जीवन में जो चीजें आप चाहते हैं उनकी एक सूची बनाएं। कर्मश योजना करें, मैं किससे सलाह लेनी है, क्या कार्य करना है, कार्य कब समाप्त करना है और उनका पालन करें। कर्मश योजना करें कि किससे सलाह लेनी है, क्या कार्य करना है, कार्य कब समाप्त करना है और उनका पालन करें। अध्याय 6, क्या आप संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं।
मैंने अपने जीवन में कई गरीब लोगों को देखा है। कुछ लोग बहुत गरीब हैं कि उनके पास केवल पैसा है, कुछ विचारों से गरीब हैं और कुछ संबंधों में गरीब हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी वह है जो अपने जीवन से संतुष्ट है। मैं पैसे या भौतिक संपत्ति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पैसे की तलाश में लोग अपने अच्छे रिश्ते, अच्छे दोस्त और अपने आसपास के अच्छे लोगों को खो देते हैं। असली खजाना हमारे महान विचारों में है। यह एक सुनहरी खदान है। जब आप अपने विचारों की खदान को गहरा खोद लेंगे तो आपसे यह सुनहरी संपत्ति कोई नहीं चुरा सकता। कोई आयकर या प्रवर्तन उस पर नियंत्रण नहीं ले सकता है। आपको रातों की नींद खोने की जरूरत नहीं है। महान विचार और संतुष्ट जीवन ही आपका असली खजाना है। महान सम्राट अलेक्जेंडर जब भारत में प्रवेश किया, उसने एक आधा नग्न आदमी को देखा जिसके कपड़े फटे हुए थे और वह सिंधु घाटी के किनारे शमशान में बैठा था और गाने गुनगुना रहा था। अलेक्जेंडर आश्चर्यजनक रह गए। एक ऐसे व्यक्ति को देख के जिसके कपड़े फटे हुए हैं और न उसके पास घोड़ा गाड़ी है और ना ही कपड़े, लेकिन वह फिर भी खुश और संतुष्ट था। उसने उस आदमी से पूछा, आप इतनी खराब स्थिति में इतनी संतुष्टि और खुश कैसे हो सकते हैं? आपके पास पहनने के लिए एक अच्छा कपड़ा भी नहीं है। आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, खुशी, धन और मुझे जो कुछ चाहिए वह मेरे भीतर है। वैसे आप कौन है और आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं? अलेक्जेंडर ने उस आदमी से कहा, अरे देखो, मैं सम्राट हूँ, मैं महान सम्राट हूँ। मैंने कई देशों पर विजय प्राप्त की है और मेरे पास बहुत सारी संपत्तियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ, सोने, हीरे, घोड़े और कई कीमती पत्थर हैं, लेकिन मैं अभी तक खुश नहीं हूँ। जब मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा तब मैं खुश रहूंगा। अब मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तो शायद मैं आपसे मिलूं। गरीब आदमी ने जवाब दिया, आप कभी वापस नहीं आएंगे। पूर्ण रूप से आपको सारी संपत्ति मिल गई है, लेकिन वास्तविक धन एक संतुष्ट जीवन है जो आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप कितने गरीब आदमी हैं, मुझे यकीन है कि आप इस जीवन में कभी भी खुश नहीं होंगे। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो बस अपने सभी कवच और हथियार फेंक दें और मेरे बगल में आकर आराम करें। मेरे गीतों में भगवान के नाम को सुनो। मैं वचन देता हूँ कि आप खुश होंगे। अलेक्जेंडर आदमी पर मुस्कुराया और चला गया। जैसा कि आदमी ने कहा था, वह कभी वापस नहीं आया। वह युद्ध में पराजित हो गया था और अपने पूरे जीवन में कभी भी खुश और संतुष्ट हुए बिना ही मर गया। क्या ऐसा जीवन भी आप चाहते हैं? पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता है। ऐसी कई चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता। एक शांतिपूर्ण जीवन, एक सच्चा प्यार और एक ईमानदार लोग। जो भी आप जमा करते हैं उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। आप उनकी सुरक्षा में अपनी नींद तक त्याग देते हैं। आप अपनी शांति खो देंगे। संतुष्ट रहें, खुश रहें और जरूरतमंदों के साथ अपनी संपत्ति को साझा करें। मैं वादा करता हूँ कि आप अमीर बन जाएंगे। जो कुछ भी आप साझा करते हैं वह गुणा होकर आपको यौगिक ब्याज के साथ वापस मिल जाता है। अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आपको खुश होने के लिए कितना पैसा चाहिए। सोचो, क्या आप अपने आज में खुश रहना चाहते हैं या भविष्य में खुश रहना चाहते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अध्याय 7, सही दिशा चुनें। हमारे पास अब सब कुछ है जिसे हमने अतीत में चुना था। सही विकल्प चुनना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आमतौर पर हम कई गलत चुनाव करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसे विकल्प चुनिए जो प्रशंसनीय हो, ऐसे विकल्प जो आपके जीवन का स्तर बढ़ा दे। हमारी इच्छाएं समय समय पर बदलती हैं। हम 5 साल की उम्र में क्या चाहते थे, खिलौना या गेंद खेलने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए 15 साल की उम्र में एक साइकिल, 20 साल की उम्र में एक खूबसूरत लड़की मित्र या लड़का मित्र, 30 या 40 साल की उम्र में अच्छी नौकरी, कार, घर, बहुत सारा पैसा। और उम्र के साथ साथ हमारी इच्छाएं भी बदलती हैं। जीवन एक रास्ता है और इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। एक अच्छा विकल्प चुनना ज्यादातर लोगों के लिए कठिन रहा है। इस समय में आपको एक अच्छे सलाहकार और मास्टर की आवश्यकता होती है। इस धरती पर कई महान लोग रहते हैं, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए
उनके बारे में किताबें पढ़ें, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ें। यदि आप कर सकते हैं तो अपने लिए आप एक सलाहकार या मास्टर खोजें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उस क्षेत्र का निर्णय लें जिसमें आप जाना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं। उस क्षेत्र के शीर्ष 10 महान लोगों को जानें, उनकी जीवनी को पढ़ें और पता लगाएं कि उच्च स्तरीय मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। बस उनके रास्ते का पालन करें, सफलता की गारंटी है। अध्याय 8, अपनी ब्लूप्रिंट बदलें। हम में से प्रत्येक को मानसिक रूप से ब्लूप्रिंट बना चुके हैं कि हम कौन हैं। यह योजना हमारी खुद की रचना नहीं है, यह ब्लूप्रिंट वो है जो हमारे आसपास के लोगों की वजह से बनी और हमने मानसिक रूप से उसे स्वीकार भी कर लिया है। अगर आपके आसपास के लोग आपसे कहते हैं कि आप मोटे हैं, आप उसे स्वीकार करेंगे और उसके बारे में सोचकर चिंतित हो जाएंगे। अगर वे लोग आपसे कहते हैं कि आप पतले हैं, आप उसे स्वीकार करेंगे और उसके बारे में सोचकर चिंतित हो जाएंगे। अगर वे कहते हैं कि आप सुंदर नहीं हैं, तो आप उसके बारे में सोचते हैं और अपने मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ। हम अपने बचपन से ही हम अपनी वास्तविकता को नहीं समझ पाते कि हम कौन हैं। हमारे विचार और मान्यता हमारे आसपास के लोगों, परिवार, मित्र, रिश्तेदार और समाज की वजह से बनी है। यह मान्यता हमारी वास्तविकता के मध्य हमेशा बाधा रही है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो इस मान्यता को बदलना बहुत जरूरी है। जंगल में एक शेरनी थी, वह गर्भवती थी। एक दिन वह भूखी थी, वह बकरियों के छोटे झुंड का शिकार करने चली गई। जैसे ही वह झुंड पर कूदी, वह एक बड़ी चट्टान से टकराई और बुरी तरह से घायल हो गई। वो बच्चे को जन्म देते ही मर गई। शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में बड़ा हुआ, वह बकरी की तरह घास खाने लगा, बकरी की तरह चलने लगा, वह अपने आप को बकरी समझने लगा, एक बकरी की तरह व्यवहार करने लगा। उसे झुंड में रहते कुछ साल बीत गए। एक दिन एक शेर उस रास्ते से गुजर रहा था, उसने शेर के बच्चे को बकरियों के साथ देखा। वह आश्चर्यचकित रह गया और शेर के बच्चे से पूछा, अरे क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम एक शेर हो और तुम बकरियों के साथ क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं शेर नहीं हूँ, मैं एक बकरी हूँ। शेर ने उस बच्चे को अपने साथ नदी के पार चलने के लिए कहा। बच्चे ने कहा, मैं नहीं आऊंगा, अगर तुम मुझे खा गए तो? शेर ने वादा किया, नहीं, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। बच्चा शेर के पीछे पीछे चला गया। शेर ने उसे अपनी परछाई पानी में देखने के लिए कहा। जैसे ही उसने पानी में देखा, वह पानी में शेर का चेहरा देख के डर गया। शेर ने पूछा, क्या अब तुम मेरे पे भरोसा करते हो? तुम शेर हो, तुम ये भूल चुके हो क्योंकि तुम कई सालों से बकरियों के बीच में रहे हो। बच्चा बहुत शर्मिंदा हुआ और शेर को गलत समझने के लिए भी बुरा महसूस कर रहा था। बच्चा जोर से रोया और फिर अपने साथी शेरों को खोजने के लिए गहरे जंगल में चला गया। यह हम में से कई की कहानी है। हम सब समाज में रह रहे हैं जहां हम अपनी वास्तविकता पहचान को खो दी है। हमारा व्यक्तित्व अन्य लोगों की राय से बन गया है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो इस मान्यता को बदलें। मान्यता को बदलो और जीवन बदलो। एक पेपर पर अपने जीवन के सपनों को लिखें। उन लोगों और चीजों को ढूंढें जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रहे हैं। उन लोगों और स्थानों को हटा दें जो आपको नकारात्मकता बनाते हैं। आपकी वास्तविकता को लेकर अपने आसपास के लोगों को बदलो। अध्याय 9, आप स्वयं को और अपनी वास्तविक शक्तियों को जानें। हम खुद को लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के साथ पहचानते हैं। हमारी वास्तविक पहचान यह है कि हम इंसान हैं और हम सभी एक ही दिव्यता का हिस्सा हैं। दिव्य सर्वोच्च शक्ति है जो हर जीव में मौजूद है। हम उस महान शक्ति को भूल गए हैं जिसने हमें बनाया है। दिव्यता हम में है और हम भी परमेश्वर, सूर्यदर्शी और सर्वशक्तिमान हैं। विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आप इसका अनुभव करते हैं। हिंदू धर्म में प्राचीन शास्त्रों में 4 वेद हैं। प्रत्येक वेद में महावाक्य नामक एक महान वाक्य है। ये 4 वेदों का सार है, कोर और बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो हजारों साल पहले बड़े ऋषियों द्वारा प्रकट हुआ था। वे सच हैं, मैं आपको वैज्ञानिक रूप से समझा सकता हूँ। उन 4 महाकाव्य के अनुसार हम समझ सकते हैं कि हम कौन हैं।
पहला, मैं सत्य हूँ, जागरूकता सत्य है, तुम वह हो, यह आत्म ब्रह्मा है। यही हमारी असली प्रकृति है। जिस क्षण हम इसे समझ जाएंगे और दिल से अपना लेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। हम सार्वभौमिक सत्य और भव्य चेतना के अलावा कुछ नहीं है। आधुनिक विज्ञान में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दुनिया में सब कुछ परमाणुओं से बना है। एक छोटी चींटी या एक बड़ा हाथी, चंद्रमा या एक पेड़, आकाश गंगाओं, नदियों, एक आदमी या शेर, इस ब्रह्मांड में सब कुछ परमाणुओं और उपमितीय कण से बना है। केवल अनुपात अलग है। भारतीयों ने हजारों सालों से अपनी महान आध्यात्मिक शक्तियों और अंतर्ज्ञान के साथ यह सत्य प्रकट किया है। जो चार वेदों के महाकाव्य में लिखा है, वही सर्वोच्च शक्ति और सत्य हम सब में मौजूद है। जिस क्षण हम इसे अपनाते हैं और सत्य से जूझते हैं, हमारा जीवन मूल रूप से बदल जाता है। ध्यान करना सीखें और भगवान, सच्चाई, सर्वशक्तिमान, भव्य चेतना से आप जुड़ें। अध्याय 10, आकर्षण और कर्म के सिद्धांत। हर कोई इन दिनों आकर्षण के सिद्धांत की बात कर रहा है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपलब्ध है, हम उन सब को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा करने के कई तरीके हैं। लोग भौतिक संपत्ति या सांसारिक चीजों को आकर्षित करने के तरीके के बारे में अधिकतर बात करते हैं। पैसे कैसे आकर्षित करें, प्रसिद्धि कैसे आकर्षित करें, कारों और बंगलों और सोनों या हीरे को कैसे आकर्षित करें। यदि आप स्वयं को सत्य से जोड़ते हैं, यदि आप धर्मी हैं, तो आपको कुछ भी आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। सार्वभौमिक सर्वोच्च शक्ति आपको सभी बहुतायत, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य, शांति और सौंदर्य के साथ आशीर्वाद देंगी। यह अतीत में महान ऋषियों द्वारा बताया गया है। वे सभी सत्य भगवान सर्वशक्तिमान से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। आपको एक और सिद्धांत समझना चाहिए। इस धरती का बहुत ही बुनियादी सिद्धांत, जिसे हम भारत में कर्म सिद्धांत कहते हैं। यहाँ हमारे सभी कार्यों का परिणाम मिलता है। कोई भी इस सिद्धांत को बदल नहीं सकता है। यदि आप कुछ अच्छा करते हैं, आपके साथ भी अच्छा होगा। यदि आप दूसरों के लिए कुछ बुरा करते हैं, आपके साथ भी बुरा होगा। यदि आप गलत तरीके से कार चलाते हैं, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। अगर आप ध्यान से ड्राइव करते हैं, तो आप घर पर पहुंच जाएंगे। यदि आप लोभ से खाते हैं, तो आप मोटापे से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर आप नियमित रूप से काम करते हैं, तो आपको अच्छी मांसपेशियों और सुंदर शरीर प्राप्त होता है। यदि आप स्वार्थी हैं, तो आप अपने आसपास के सभी लोगों को खो देते हैं। यदि आप निस्वार्थ हैं, तो आप अपने आसपास के बहुत से प्यार करने वाले लोगों को प्राप्त करते हैं। यह कर्म सिद्धांत है। हमारे सभी कार्यों को परिणाम से सम्मानित किया जाता है। चतुराई से, सच्चाई और प्यार से काम करें, आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अतीत में किए गए सभी बुरे कर्मों और आपके इस समय के बुरे जीवन को लिखें, जो आप अनुभव कर रहे हैं। उन सभी बुरी चीजों को खत्म करें और उन्हें कुछ अच्छे कार्यों के साथ बदलें। अध्याय 11, कोई भी आपके विकास और सफलता को रोक नहीं सकता। यदि आपने उपरोक्त सभी नियमों का गंभीरता से पालन किया है, तो कोई भी आपके द्वारा दर्ज किए गए किसी भी क्षेत्र में वृद्धि या सफलता को रोक नहीं सकता है। मुझे यकीन है कि मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि आप सफल होंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपको स्वस्थ होने से रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको प्रसिद्ध होने से रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको शक्ति और ऊंचा दर्जा पाने से रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको खुश होने से रोक नहीं सकता। कोई भी आपको शांतिपूर्ण होने से नहीं रोक सकता। और कोई भी आपको एक आनंदमय जीवन जीने से रोक नहीं सकता है। इस पुस्तक को बार बार पढ़ें, जब तक कि ये सफलता पाने की विधियां आपकी आदत न बन जाएं, और जब तक वे आपके रक्त, हड्डी और अवचेतन मन का हिस्सा न बन जाए। एक पेपर पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें और इसे अपनी मेज पर रखें। रोज सुबह जाते और रात को सोते समय हर दिन उन बिंदुओं को पढ़ें। शुरुआत में इन्हें पालन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप जल्द ही इसके आदि हो जाएंगे। एक बार जब आप अपना जीवन बदल लेंगे, तो आप सभी लाभों का आनंद लेंगे। आप संतुष्ट हो जाएंगे। आप खुश और शांतिपूर्ण रहेंगे। आप आनंदपूर्ण और आनंदमय रहेंगे। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसकी ओर आकर्षित होने लगेंगे।
आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह सच है। आप एक मानव चुंबक बन जाएंगे। आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करके जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। इन 11 अध्यायों से आपने जो भी 11 महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं उन्हें लिखें। कोई भी 3 बिंदुओं को आप तुरंत अपना सकते हैं, उन्हें अपनाएं और उस पर तुरंत काम करें।